पौराणिक काल में महान ऋषि कंडू हुआ करते थे, जिनका आश्रम गोमती नदी के तट पर था। ऋषि कंडू घोर तपस्वी थे। ऋषि को तपस्या में लीन देखकर देवराज इंद्र हमेशा की तरह घबरा गए। उन्हें यह डर सताने लगा कि कहीं ऋषि कंडू उनका स्वर्ग ना छीन ले। इसी डर के परिणाम स्वरूप इंद्र ने ऋषि कंडू की तपस्या भंग करने के लिए प्रम्लोचा नाम की अप्सरा को पृथ्वीलोक पर भेजने का निश्चय किया। एक संध्या नृत्य के बाद इंद्र ने प्रम्लोचा को अपने पास बुलाया, फिर उसे अपनी सारी योजना बताई। बिना कोई सवाल किए प्रम्लोचा इंद्र की योजना के मुताबिक पृथ्वीलोक के लिए प्रस्थान कर गई। पृथ्वीलोक पर प्रम्लोचा सीधे वहां पहुंची जहां ऋषि कंडू तपस्या में लीन है। फिर प्रम्लोचा अपनी शरारतों से ऋषि कंडू का ध्यान तोड़ने की कोशिश करने लगी। उसके बाद जैसे ही ऋषि की नज़र प्रम्लोचा पर पड़ी और वे उसके रूप और सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गए, और उसके बाद ऋषि कंडू प्रम्लोचा के सौंदर्य में इतना खो गए कि उन्हें भोग विलास करते हुए 100 वर्ष बीत गए थे। तब प्रम्लोचा ऋषि से कहती है, हे ऋषि, अब मैं स्वर्गलोक वापस जाना चाहती हूँ, इसलिए अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। अप्सरा के मुख से जाने की बात सुनकर ऋषि उदास हो जाते हैं और कहते हैं, हे देवी, अभी थोड़े दिन और रुक जाती तो अच्छा होता। ऋषि को उदास देखकर अप्सरा पृथ्वीलोक पर और रुकने के लिए मान जाती है। फिर उसी प्रकार ऋषि कंडू को भोग उल्लास करते हुए 100 वर्ष और हो जाते हैं। फिर एक दिन प्रम्लोचा ऋषि से कहती, हे मुनि, मुझे पृथ्वीलोक पर आए बहुत समय हो गया, अब मुझे स्वर्गलोक जाने की आज्ञा दें। ऋषि कंडू प्रम्लोचा की बात सुनकर फिर उदास हो जाते हैं और कहते हैं, हे देवी, अभी कुछ समय और रुक जाओ, फिर चले जाना। इसी तरह कई 100 वर्ष बीत गए और जब भी अप्सरा स्वर्गलोक जाने की बात ऋषि से कहती और वो किसी न किसी तरह उसे मना लेते। वो अप्सरा ऋषि के श्राप से भी डर रही थी कि कहीं क्रोध में आकर ऋषि कंडू उन्हें श्राप न दे दें। उधर महर्षि के काम वासना में लिप्त होने से अप्सरा के प्रति उनका प्रेम नित्य बढ़ता ही जा रहा था। तपस्या पूजा पाठ का त्याग कर रात दिन ऋषि कंडू भोग विलास में डूबे रहते। फिर एक दिन अचानक ऋषि कंडू बड़ी तेजी से अपनी कुटिया से निकले। तभी प्रम्लोचा उनके पास आई और पूछती है, हे मुनि, आप कहाँ जा रहे हैं? तब ऋषि कंडू ने कहा, हे भद्रे, दिन अस्त हो चुका है, अतः मैं संध्या उपासना करने जा रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर प्रम्लोचा मुस्कुराए बिना रह न सकी और बोली, हे सब वेदों के ज्ञाता, इतने वर्षों में क्या पहली बार आज सूर्यास्त हुआ है? जो संध्या वंदन नहीं करेंगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं तो आपसे जब से मिली हूँ तब से आपने कभी संध्या वंदन किया ही नहीं है। अप्सरा के ऐसे वचन सुनकर ऋषि कंडू बोले, हे भद्रे, नदी के सुंदर तट पर आज सवेरे ही तो तुम आई हो, मुझे भली भांति स्मरण है। मैंने आज ही तुमको अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा था, अतः अब दिन के समाप्त होने पर संध्या काल हुआ है, मुझे तो लगता है कि तुम मेरा उपहास कर रही हो। तब प्रम्लोचा ने ऋषि से कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका यह कथन सत्य है कि मैं आपके आश्रम में सवेरे ही आई हूँ, परंतु आज नहीं, जिस सुबह मैं आई थी उस समय को तो कई 100 वर्ष बीत चुके हैं। यह सुनकर महर्षि कंडू घबरा गए और बोले, हे सुंदरी, तुझे मेरे साथ रमण करते हुए कितना समय बीत चुका है? तब प्रम्लोचा ने बताया कि आपको मेरे साथ रमण करते हुए 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन हो चुके हैं। यह सुनकर ऋषि कंडू हैरान हो गए और बोले, हे प्रिय, क्या तुम सत्य कह रही हो या फिर मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो? मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि मैं तुम्हारे साथ एक दिन ही रहा हूँ। तब प्रम्लोचा बोली, हे ब्राह्मण, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ, वो भी उस समय जब आप अपने धर्म का अनुसरण करने के लिए तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हैं। तब प्रम्लोचा ने इंद्र की योजना के बारे में ऋषि कंडू को बताया कि आपकी तपस्या भंग करने के लिए मुझे यहाँ देवराज इंद्र ने भेजा है। इस प्रकार ऋषि कंडू ने प्रम्लोचा के साथ कई 100 वर्षों तक भोग विलास किया। धन्यवाद।